कहिए ओ महाराज कहिए। लगता है तुम हो नाराज। मैं नाराज नहीं हूँ महाराज। हाँ, हाँ। तुम अगर अपनी लड़की की शादी हाँ। दुर्योधन के साथ में करो तो वो अच्छा लड़का नहीं है। अच्छा नहीं है। नहीं महाराज। हाँ। एक बहुत सुंदर लड़का है। कौन है? बहुत सुंदर लड़का है। कौन है महाराज? बहुत बढ़िया है। कौन है? बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अरे है कौन? जू बैठो बड़ी बड़ी आंखें को भट्टा। कैसे रहे महाराज? नहीं कोई अच्छा लड़का बताओ महाराज। हाँ। और बताएं? और बताओ। बहुत बढ़िया है। कौन है? देखने में भी अच्छा लगता है। कौन है? और अभी सेविंग करवा के आया है। कौन है? ये बैठा है। ए हाँ महाराज। और कोई लड़का बताओ, घर भी अच्छा हो पर भी अच्छा हो महाराज। हाँ। रजिस्टर देखन पर है। देख लो। देख लें? देख लो महाराज। एक लड़का बहुत बढ़िया है। कौन है? बैटरी फटी गई। अरे नहीं महाराज, लॉटरी खुली गई। अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया लड़का है। कौन है बताएं? बताओ। तुम अपनी लड़की की शादी कर्ण के साथ में कर दो। कैसी रही? पागल हो गई हो क्यों महाराज? कर्ण के साथ में नहीं, कोई और लड़का बताओ। अब महाराज, अब हमारी नजर में कोई ना है। सुबह से शाम हो गई लेकिन रुकमणी के लायक कोई लड़का नहीं मिला। तब तक भीष्मक का छोटा बेटा बोला, पिताजी हाँ, अगर हमारी बहन की शादी हाँ, अगर द्वारिका के रहने वाले भगवान कन्हैया के साथ में हो जाए तो कैसी रहेगी? पिताजी तुमने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। क्यों? हाँ पिताजी, तुमने मेरे मन की बात छीन ली। अरे पिताजी, हमें पहले से मालूम था तुम यही चाहते थे। बहुत बढ़िया है महाराज, है सही? क्या बात है मेरे लाल। तब तक भीष्मक का बड़ा बेटा रुकुम खड़ा। ए पिताजी, पिताजी क्या बात है ये इतनी लंबी भीड़ आज कैसे लगी? आज तक हमने तुम्हारे दरबार में इतनी लंबी भीड़ कभी नहीं देखी। तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी बहन की शादी हो रही है। किसके साथ में? ए भाई, द्वारिका के रहने वाले कन्हैया। पिताजी नहीं होगी उसके साथ में शादी। क्यों नहीं होगी उसके साथ में? घर घर में माखन चुराता रहा, उसके माँ बाप का पता नहीं है, कुल खानदान का पता नहीं है। कोई तो बसदेव देवकी का लड़का बताता है, कोई नंद बाबा यशोदा का बताता है। नहीं होगी साथ में उसके शादी। तो मेरे खपरे पर क्यों चढ़े जा रहे हो? पिताजी बोला है। ओए पिताजी, उसके साथ में शादी नहीं होगी। बाप रे जग हृदय है बिगार रे मेरे बबुला बने ना। पिताजी कहिए मेरे लाल, पागल हो गए हो क्या? हम तुम्हें पागल दिख रहे हैं?
उस कन्हैया के साथ में नहीं होगी शादी। क्यों नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर तुमने उसके साथ में शादी कर दी और अगर वो कन्हैया यहाँ पर बारात लेके आया, हाँ, तो अनेक माताएं विधवाएं हो जाएंगी। हम ये नहीं चाहते जो खून की नालियां बह जाए। पिताजी पागल हो गया, 60 साल के हो गए, तुम्हारी बुद्धि भी सट्या गई है, तुम में काई आ गई। मेरी बात सुनो मेरे लाल। पिताजी जी क्यों रही हो? पिताजी अगर तुम्हारी नजर में अभी उठा के तुम्हें गद्दी से नीचे पटक देंगे अगर ज्यादा बोलोगे तो। आप रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं, बाप से इस कदर दुनिया जानती है, तुम हमारे बाप हो तो क्या गले में माला बनाकर डाल लें? आज बड़े तुम बड़े अपशब्द बोल रहे हो मेरे लाल। पिताजी आखिर लड़का तुम्हारे ही है, अगर तुम यहाँ के राजा जा बताओ, तो हम भी एक राजा के लड़का है। लड़का जा बताओ रुकुम, हाँ तुम पिताजी से इतना लड़ रहे हो, आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बताओ। अगर जय बात पहले कह देते नमल दे मैया तो ये सब काय कुल हंसते, सब लोग के बाप बेटा आपस में लड़ रहे हैं। तो बताओ बताओ। अब तुमने कही सुनो, बहुत दिलदार है। कौन है? दौलत से भरा भंडार है। अच्छा, और कोई गैर नहीं अपना ही रिश्तेदार है, कहो तो बता दे। कौन है बताओ? बहुत बड़ा पैसे वाला है। अरे कौन है? बहुत दिल वाला है। अरे कौन है? और कोई गैर नहीं रिश्ते में हमारा साला है। पिताजी चीखो नहीं उठा के गद्दी से नीचे पटक देंगे। तुम अपने साले के साथ में और का पिताजी, हाँ। पागल हो गया क्यों? उसके 15 तो छिरियां हैं बकरियां और 10 के गधा हैं। अच्छा, और तुम्हें तो पानी तक की नहीं पूछेगा हमारा साला, इसलिए मान जाएगा। ए पागल हो गए पिताजी, जिसने तुम्हें अपनी बहन दे दी हो तुम उसको अपनी बहन दोगे? पागल हो गए पिताजी। पिताजी हाँ पागल हो गए हो क्यों? परिचित महाराज जा बताओ, अगर बाने अपनी बहन हमें दे दी और हम अपनी बहन दे दिए तो कौन सी पाल टूट पड़ेगा? एक ना मीठे को डिब्बा हम ले जाओ करे, एक ना भूलाओ करे, एक ना हम जीजा कह दो करे, एक ना भू कह दो करे, जब कौन सी भाव है? ये शादी नहीं हो सकती। होगी शादी, यही होगी पिताजी। रुकुम कहने लगा पिताजी, मेरे सामने ओरी बबूला ये चाले नहीं चल पाए। करिए शादी पक्की होगी हमारी बहन देखने में बहुत अच्छी लगती है, देखो हमारी बहन को, 15 का शैम्पू एक बार में लगाती है। अच्छा, और अभी ये ब्यूटी पार्लर पर गई थी जलालाबाद, देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी बहन। पागल हो गई हो क्या? शादी होगी तो हमारे साले के साथ में, अन्यथा किसी के साथ में शादी नहीं होगी। अच्छा हाँ पिताजी, अब रुकुम जो था वो अपने साले के लिए पाती लिखने लगा है। किस तरह से? Hey!
अब तुम मेरे साले नहीं रहे, क्यों? क्योंकि अब तुम मेरे जीजा हो गए हो, हम सारे बनने के लिए आ रहे हैं। अब पाती लिखी गई, पाती लिखी गई नाव पंडित को दी, ओए ए पाती लेकर के चले जाओ और पाती लेकर के मेरे साले को दे देना। अब नाऊ पंडित चदेली में पहुंचे, सिसपाल को पाती दी। सिसपाल बोले, पंडित जी हाँ बोलो। पंडित जी कहिए, कहाँ से आए हो? अरे तुम्हें नहीं पता है, हाँ हम कुंदनपुर से आए हैं। किस लिए आए हो? कुंदनपुर में तो हमारे बहनोई साहब हैं, जानते हो? बहुत अच्छे से उन्हीं ने मुझे यहाँ भेजा है। क्यों भेजा है? तुम्हें नहीं पता है? बताओ। तुम ये चिट्ठी पढ़ लो खुद। क्यों पंडित जी? हाँ इसमें तो ये लिखा है, हाँ कि हमारे जीजा जी अपनी बहन की शादी हमारे साथ में कर रहे हैं। हाँ तुम्हारे जीजा अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ में कर रहे हैं, जल्दी चलो। पंडित जी क्या हम तो कहते हमारे जैसे जीजा सबका मिले हैं। अच्छा हमारी हमारे जीजा की बहन इतनी सुंदर है, अंधेरे कमरे में बिठाल दो तो दीपक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम ऐसा करो, दूल्हा बन जाओ, बातें मत करो। ठीक है। अब सिसपाल पहुंचा, बोला भाभी ओ लला देवर, ओ भाभी काए चिल्ला मत लला, जब तुम चिल्ला तो हमारे पेट में घटिया घाट फरक का बात होने लगे तो लला ओ लला देव रे, मुझे दूल्हा बना जल्दी से। दूल्हा? हाँ ओ लला, हाँ पूरी न पापड़ी बहु घर आए पड़ी, जका बात है लला। तो पूरी पापड़ी की बहुत लगी रहती है कह लला। हाँ ब्याह करने कहाँ जाए हो? अरे तुझे नहीं पता है जो मेरे जीजा की बहन है रुकमणी, हाँ उसके साथ में मेरी शादी हो रही है। लला पागल हो गए क्यों? काउ ने आज तक अपनी बहन के नंद में शादी करी तो तुम करोगे? अरे काउ ने नहीं करी, हम कर रहे हैं। लला हाँ मान जाओ। मानेंगे नहीं बिल्कुल। लला हाँ बाप द्वारिका के रहने वाले भगवान कन्हैया भी आएंगे और ता से तुम लला बाप मत जाओ ना, एम्बुलेंस सब धर के आए हो।